नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके और आप देख रहे केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जाऊंगा सेवन चक्र ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जो सात चक्र होते हैं, जिस चक्रों को मिलाकर हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, उसी सात चक्रों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात बोलूँ दोस्तों कि आपने एक चीज तो देखा होगा, वो है पुराने ऋषि मुनि लोग। ये पुराने ऋषि मुनि लोग जिन भी लोगों को श्राप देते थे, उनको श्राप लग जाता था। इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्या सच में होता था? तो बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो शक्ति है, जो साधारण मनुष्य एक असाधारण पुरुष बन जाता है, और वो जब जिसको श्राप देता है उसको श्राप लग जाता है, और वही व्यक्ति अगर किसी को वरदान देता है तो वरदान भी लग जाता है। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, ये सेवन चक्र, सात चक्र ही होते हैं दोस्तों, ये वरदान के लिए लायक होते हैं। तो किस तरह से होता है, तो जो मनुष्य रहता है दोस्तों, वह मनुष्य क्या करता है, अपनी जो कुंडलिनी शक्ति जो है, वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मेडिटेशन करता है, ध्यान मग्न होता है, जिस वजह से उस मनुष्य के अंदर के जो सात चक्र है, वो सातों के सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सात चक्रों की आज मैं बात करने जाऊंगा। सबसे पहला चक्र है दोस्तों मूलाधार चक्र, जो नाभि में स्थित होता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों स्वाधिष्ठान चक्र, फिर बात करेंगे दोस्तों मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आदना चक्र और सहस्त्रधार चक्र। इस तरह के सात चक्रों के बारे में आज आपको मैं बताने जाऊंगा दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों सातवें चक्र में से जो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र के बारे में। तो मूलाधार चक्र क्या होता है, ये मूलाधार चक्र जो होता है दोस्तों, ये नाभि के चार अंगों नीचे स्थित होता है। मैं जो चक्र बता रहा हूँ दोस्तों, योग शास्त्र में लिखी हुई ये सात चक्र है दोस्तों, जो आयुर्वेद शास्त्र में जो योग शास्त्र होता है, उसी पतंजलि योग शास्त्र के थ्रू में लिया गया एक पार्ट है, जिसमें मूलाधार चक्र जो दोस्तों पहला होता है, और पहला चक्र जो होता है दोस्तों, यह आपके नाभि के चार अंगों नीचे स्थित होता है। यह आपकी 99% चेतना को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है, साथ में आपकी निद्रा, आपका भोग, आपका संभोग, आपका जो खाना है, जो भोजन है, इसके ऊपर ही जागरूकता रखने का कार्य, उसके ऊपर भी कंट्रोल रखने का कार्य ये तुम्हारे मूलाधार चक्र का होता है। अगर आपको इस मूलाधार चक्र पे अपना कंट्रोल जमाना है, इस मूलाधार चक्र को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं, उस लिए दोस्तों आपको निद्रा, भोग, संभोग, साथ ही भूख, इसके ऊपर संयम रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करना पड़ेगा, जिस वजह से आप मूलाधार चक्र को मतलब उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, और आप एक उसके ऊपर वीरता प्राप्त कर। फिर सेकंड नंबर की बात करेंगे दोस्तों स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है आपके जन्मेंद्रिय से चार अंगुल ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी स्वाधिष्ठान चक्र में अगर आपके शरीर की ऊर्जा स्थित है, सक्रिय है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप भौतिक चीज़ों का आनंद ले पाएंगे, आप सुख की अनुभूति करेंगे, आप ऊर्जामान रहेंगे, आपका शक्तिवर्धक शरीर रहेगा, जिस वजह से आप कोई भी चीज़, कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। यह स्वाधिष्ठान चक्र की एक खासियत। और दोस्तों आप अगर स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है, स्वाधिष्ठान चक्र पर विजय पा लेते हैं, उसको जागरूक कर लेते हैं, जिस वजह से आपके अंदर का क्रूरता, तो आपके अंदर की क्रूरता कम हो जाएगी, आपके अंदर का प्रमाद कम हो जाएगा, अवज्ञा, जो दूसरों की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा ना मानना, आप बड़ों के आज्ञा का पालन नहीं करते, वो हर चीज़ों का नाश हो जाएगा, अगर आप इस स्वाधिष्ठान चक्र को जागरूक करते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर अपना विजय पाते हैं। अब थर्ड नंबर का जो चक्र है दोस्तों, जिसका नाम है मणिपुर चक्र, ये मणिपुर चक्र आपके नाभि के बीचों बीच नाभि में स्थित होता है, रक्त वर्ण का चक्र होता है, और साथ ही दोस्तों जिस व्यक्ति की इस मणिपुर चक्र के अंदर में चेतना या फिर ऊर्जा ये क्या है, सक्रिय है दोस्तों, तो वो कर्मयोगी बन जाता है, वो व्यक्ति हर काम को आसानी से और बड़े प्यार से करता है दोस्तों, कभी थकता नहीं है। यह एक खासियत होती है इस मणिपुर चक्र की, जो अपनी चेतना, आपकी ऊर्जा को सक्रिय करके रखता है, जिस वजह से रक्तवर्णीय जो चक्र होता है, यह चक्र में सभी नाड़ियाँ पहले मिट जाती है और मिलने के बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है दोस्तों। इस तरह से इसको काबू पाना है, इस मणिपुर चक्र को अगर जागरूक करना है, तो आपको संयम से मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो जो मार्शल आर्ट वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको मणिपुर चक्र के बारे में भली भांति पता होता है, उनको पता होता है कि इस मणिपुर चक्र को किस तरह से जागरूक करना होता है। साथ ही मैं बात करूंगा दोस्तों कि अगर आपने इस मणिपुर चक्र के ऊपर जागरूकता पा ली है, जिस वजह से आपको घृणा, लज्जा, इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी की घृणा नहीं होगी, आपको किसी की लज्जा नहीं होगी, आप स्वतंत्र जिएंगे दोस्तों और ऊर्जावान रहेंगे। अब चौथे नंबर की बात करेंगे दोस्तों, चौथे नंबर का जो चक्र है जिसका नाम है दोस्तों अनाथ चक्र। अनाथ चक्र स्वर्ण वर्ण का होता है या आपके हृदय में स्थित होता है। जिस व्यक्ति का दोस्तों अनाथ चक्र है, चौथे नंबर का हृदय में स्थित जो अनाथ चक्र है दोस्तों, अगर उसकी ऊर्जा उस अनाथ चक्र में सक्रिय है,
जिस वजह से उसका अलग अलग कामों में मन लगेगा, अलग अलग कार्यों में मन लगेगा, वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, उसका दिमाग इस तरह से घूमेगा, उसका मन इस तरह से घूमेगा कि वो नई नई जो चीज़ें नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने में हेल्प करेगा, नई नई चीज़ों का शोध लगाकर उसके ऊपर कार्य करेगा, उसके अंदर में नया कुछ करने की कला रहेगी, नया कुछ करने की स्फूर्ति रहेगी, नया किसी का इन्वेंशन करने की स्फूर्ति रहेगी, जिस वजह से वो एक व्यक्ति चित्रकार बन सकता है, कलाकार बन सकता है और अलग अलग कलाओं को रचना देने का कार्य वो अनाज चक्र में जिसकी ऊर्जा सक्रिय है वह व्यक्ति में देखने को मिलती है। और दोस्तों आप इस अनाज चक्र पर अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अलग अलग तरह की ध्वनियाँ सुनकर उस ध्वनियों को गुनगुनाना भी शुरू कर सकते हैं, उन ध्वनियों की अलग अलग आवाज़ें आप निकाल सकते हैं अगर आप इस अनाज चक्र को सक्रिय कर लें। अब बात करें दोस्तों पांचवा जो है विशुद्ध चक्र। ये विशुद्ध चक्र आपके कंठ में स्थित होता है, ये कंठ में स्थित होता है और आपको पता ही दोस्तों ये कंठ में स्वरयंत्र होता है, स्वरयंत्र में माँ सरस्वती का वास होता है, तो उसी सरस्वती का वास वाले कंठ है उस स्वरयंत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों विशुद्ध चक्र। और जो इंसान दोस्तों इस चक्र को जागृत कर लेता है, मतलब ये विशुद्ध चक्र को जागृत कर लेता है, वो अपने भूख प्यास पे कंट्रोल पा सकता है। साथ ही बात करूँगा दोस्तों कि आप 16 तरह की कलाओं को सीख सकते हैं, 16 तरह की विभूतियों को सीख सकते हैं, आपके अंदर में उस ज्ञान की ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है जब आप विशुद्ध चक्र को जागृत करते हैं। आप अब आ चुके हैं दोस्तों आद्य चक्र। आप जब आद्य चक्र में आ गए दोस्तों, आद्य चक्र में आने के बाद आप देखोगे दोस्तों कि आप भौतिक सुखों का अनुभव लेना स्टार्ट कर दोगे, आप भौतिक सुखों की प्राप्ति करना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों। आद्य चक्र की जागरूकता होने की वजह से उस मनुष्य की जो साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य असाधारण हो जाता है, वो सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, वह जिसे वरदान देता है दोस्तों उसका वरदान उसे लग जाता है, वह जिसे श्राप देता है उसका श्राप लग जाता है, क्योंकि वो दोस्तों धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते वो आज्ञा चक्र में आ जाता है। और आज्ञा चक्र में आने के बाद वह एक ऐसी शक्ति ऐसा भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिस वजह से उसकी उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अब बात करें दोस्तों लास्ट में जो सातवां चक्र होता है जो हमारे मस्तिष्क में होता है उसका नाम है दोस्तों सहस्त्रार चक्र। जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर जागरूकता पा ली है वह अपने जीवन में भौतिक सुखों का अनुभव लेने के बाद खुद ही बिना किसी कारण आनंद में झूमने लगते हैं। सहस्त्रार चक्र जागरूक हो जाता है तो समझ लेना दोस्तों कि आप मोक्ष की स्थिति में प्राप्त हो चुकी है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, आप मोक्ष की स्थिति में आ चुके हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। और दोस्तों जब आप इस सहस्त्रार चक्र को अगर जागृत कर लोगे तो समझ लेना दोस्तों कि आपका मोक्ष का द्वार खुल चुका। इस तरह दोस्तों हमने 7 चक्रों की बात की है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाज चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और लास्ट में देखे थे सहस्त्रार चक्र। इस 7 चक्र की बात में ह्यूमन बॉडी के अंदर में किया। इस 7 चक्र से मिलके कुंडलिनी शक्ति बनती है, जिस व्यक्ति ने पूरी कुंडलिनी शक्ति को अगर जागृत कर लिया तो उसे दोस्तों सिद्धि की प्राप्ति होती है, वो साधारण से असाधारण मनुष्य बन जाता है और साथ में दोस्तों उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।